नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर पॉइंट सीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सेल में सैलरी शीट बनाने के लिए सीखेंगे। सैलरी शीट कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए हमने पहले एक शीट बना रखा है जिसमें हेडिंग पे लिखा हुआ है करियर पॉइंट पीवीटी एलटीडी, और सेकेंड हेडिंग है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 पेड इन सेप्टेम्बर, और नेक्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिजिग्नेशन अर्थात पद, टोटल सैलरी एंड बेसिक सैलरी 60% टोटल सैलरी का निकालना होता है, एचआर, टोटल वर्क डे अब्सेंट, टोटल वर्क डे, टोटल सैलरी, पीएफ, ईएसआई, एडवांस, नेट सैलरी। तो अब हम सैलरी शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने क्या, टोटल सैलरी को छोड़ दिया, बाकी बेसिक सैलरी से लेकर नेट सैलरी तक इस चीज़ को हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद सबसे पहले हम बेसिक सैलरी पे जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है टोटल सैलरी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई कंपनी या कहीं जॉब कर रहे हो, आपको टोटल सैलरी 25,000 दे रहा है, तो उसमें बेसिक सैलरी कितना होता है, एचआर कितना होता है, टोटल कितना होगा, ये चीज़ें निकालेंगे। जैसे एक्सेल का नियम होता है, पहले आपको इक्वल टू लगाना होता है, तो हमने इक्वल टू लगाया एंड बेसिक सैलरी में जाएंगे आप, मल्टीप्लाई, ऊपर लिखा हुआ है 60%, 60/100 हमने दिया एंड इंटर। बेसिक सैलरी 15,000 आया। एचआर ऐसे ही इक्वल टू हमने फॉर्मूला लगाया एंड टोटल सैलरी में जाएंगे, मल्टीप्लाई 40/100 एंड देन इंटर। इन दोनों को, बेसिक सैलरी प्लस एचआर को ऐड करना है आपको। इक्वल टू आप बेसिक पे जाएंगे, प्लस एचआर पे जाएंगे और इंटर करेंगे। ये तीनों निकल चुका है, बेसिक, एचआर, टोटल। हमने सेलेक्ट किया, माउस का पॉइंट लिया और इसे ड्रॉ करके डाउन साइड किया, तो बेसिक सैलरी, एचआर, टोटल आ चुका है। वर्क डे देखते हैं अब। जैसे अगस्त मंथ में 31st डे वर्क डे होता है, तो हमने 31st लिखा एंड देन माउस पॉइंटर से हमने ड्रॉ करके डाउन साइड लाया। एंड इसमें जैसे कोई वर्कर अब्सेंट होता है 1 डे 2 डे, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ मेंशन किया 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज, 6 डेज, 4 डेज, 2 डेज, 1 डेज, इस प्रकार से अब्सेंट हुआ। तो हमें देखना है टोटल वर्क डे कितना हुआ है। फॉर्मूला लगाएंगे आप, इक्वल टू 31st में आएंगे, माइनस करेंगे और अब्सेंट में, इंटर करेंगे आप और माउस पॉइंटर कैच करके आप डाउन साइड ड्रॉ करेंगे, तो टोटल वर्क डे आ चुका है। आप यहाँ देखेंगे जो अब्सेंट नहीं हुआ है उनका 31st एंड 31st ही वर्क डे है। अब हमें सैलरी शीट निकालना है। देखिए, सैलरी शीट निकालने के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा। जैसे इक्वल टू टोटल सैलरी है 25,000, हमने क्लिक किया डिवाइड 30 डेज, अर्थात 1 डे का हमें सैलरी निकालना है, तो 1 डे का सैलरी 806 पॉइंट समथिंग आया। तो हमें यहाँ करना है इक्वल टू जो सैलरी आया 1 डे का, उस पर मल्टीप्लाई करना है हमें जितना दिन आप ड्यूटी किए हो, प्रेजेंट हुए हो, और देन इंटर, तो आपका टोटल सैलरी आ जाएगा जितना दिन आपने वर्क किया है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ लगाएंगे। तो इसके लिए हमने लिखा इक्वल टू एंड दे टोटल सैलरी पे जाएंगे, डिवाइड करेंगे और जो वर्क डे है उस पे जाएंगे, मल्टीप्लाई जितना दिन आपने ड्यूटी किया उस पे जाके क्लिक करेंगे, देन इंटर करेंगे और माउस पॉइंटर से ड्रॉ करके डाउन साइड आएंगे। आप देखेंगे जो वैल्यू हमने यहाँ निकाला है एज अ सेम वैल्यू यहाँ निकला हुआ है। अब हमें पीएफ निकालना है। पीएफ हमेशा टोटल से निकलता है और डिटेक्टिंग टोटल सैलरी से होगा जो आपको इन हैंड मिलेगा।
इन दैट केस हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू, और टोटल पे जाएंगे मल्टीप्लाई 12 बाई 100, हमने पीएफ निकाला एंड ईएसआई देखते हैं इक्वल टू, टोटल पे जाएंगे आप मल्टीप्लाई 1.75 बाई 100, ईएसआई निकला, और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने ड्रॉ किया डाउन साइड, यहाँ देखेंगे एडवांस। जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ को आवश्यकता है एडवांस का, तो सैलरी लेने से पहले एडवांस लेता, तो उसी प्रकार से हम यहाँ एंट्री करेंगे। जैसे किसी ने 4000 एडवांस लिया एंड किसी ने 2000 लिया एंड किसी ने 3000 लिया और किसी ने 1000, इस प्रकार से एडवांस लिया। तो अब हम नेट सैलरी देखेंगे, तो नेट सैलरी के लिए हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू एंड टोटल पे गया, इतना आपका सैलरी आएगा एब्सेंट होने के बाद, और हमने माइनस किया पीएफ, माइनस किया ईएसआई एंड माइनस किया जो एडवांस लिया एंड देन इंटर किया। आप देखेंगे ये वैल्यू आया 13,530। हमने इस पॉइंट में गया और ड्रग के डाउन साइड किया। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे कि टोटल सैलरी 25,000 है, बेसिक 15,000, एचआर 10,000, टोटल 25,000 ही हुआ। 30 फर्स्ट डे का वर्क डे है और 5 अब्सेंट है, 26 प्रेजेंट है, और यहाँ टोटल सैलरी अब्सेंट होने के बाद 26 डेज का सैलरी 20,967.7419 हुआ। इसमें पीएफ कटा डिटेक्टिंग हुआ, ईएसआई डिटेक्टिंग हुआ, एडवांस डिटेक्टिंग हुआ, तो इतना होने के बाद नेट सैलरी 13,530 रुपीस मिला किसे, राजा को। उसी प्रकार से मोहन को 11,486 मिला। तो दोस्तों इस प्रकार से सैलरी शीट बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।